नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो सब लोग मोदक बनाते हैं, तो आज हम भी एक मोदक की रेसिपी बनाएंगे। तो बहुत इजी और क्विक रेसिपी है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट से बनाएंगे हम इसे। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए, हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे और एक कटोरी दूध डालेंगे। सभी मेजरमेंट आप एक सेम कटोरी से लें और एक कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई लम्स इसमें ना रहे। और इसमें हम आप देखिए थोड़ी सी किशमिश डालेंगे और एक कटोरी नारियल का बुरादा डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, आप देखेंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये मोदक बन जाएंगे हमारे। मीडियम फ्लेम आप रखिए और देखिए तुरंत ये गाढ़ी होने लग जाएगी और जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू और बादाम लिए हैं मैंने, इसे भी हम फिर अच्छे से मिला लेंगे और चलाते रहेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ मैंने फूड कलर डाला है केसरिया कलर का, इसे भी डाल के मिला लेंगे। और अब देखिए हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे कि बहुत ठंडा भी ना हो लेकिन गर्म ना रहे ये। तो इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल के हम ठंडा करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है और ये थोड़ा ठंडा हो गया है। इसे हम अच्छे से इस तरह चम्मच से मिला लेंगे। और अब देखिए जिस कटोरी से हमने सब सामान डाला था उसी से हम आधी कटोरी पिसी हुई चीनी या फिर बूरा लीजिए, ये मैंने बूरा लिया है यहाँ पर, उसे हम डालकर इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो ध्यान रहे ये बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे। और देखिए इस तरह का आप एक मोदक स्टैंड लें या मोल्ड जिसे बोलते हैं, मोदक मोल्ड, उसमें थोड़ा सा घी लगा लें और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप हाथ में लेकर दोनों तरफ मोल्ड में लगा लें जो हमने मिठाई बनाई है मिल्क पाउडर से। और इस तरह से सेट करने के बाद आप इसे दबा दें, बहुत आसानी से ये मोदक बन जाता है। थोड़ा प्रेस कर दें और जो साइड में निकला उसे निकाल दें और नीचे की तरफ से आप इस तरह से इसे सेट कर दीजिए। और देखिए कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और इतना अच्छा शेप का ये मोदक बनके रेडी हो जाता है। तो ये देखिए बनके रेडी हो गया है और इसी तरह से हम बाकी सारे मोदक बना लेंगे। तो आप ध्यान रखें थोड़ा ठंडा होने पर ही बूरा डालें। और ये देखिए कितने अच्छे से मोदक बनके रेडी हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा सिल्वर फॉइल लगाया इस पर, चांदी का वर्क, तो आप ये लगा लीजिए, केसर से भी सजा सकते हैं। तो बनाइए आप ये गणेश चतुर्थी पर।